नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में और YT एजुकेशन पे। बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खबर अच्छी ये है कि उनका एग्ज़ाम डेट, जो कि दूसरे चरण का परीक्षा रद्द किया गया था, उसका तैयारी हो चुका है। लगभग एक टेंटेटिव डेट दिया गया है, जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो आज के खबर में भी ये इसको पब्लिश किया गया है, इसलिए मैंने इस वीडियो को आप तक शेयर करने का सोचा। तो चलिए जानते हैं उस टेंटेटिव डेट को। लेकिन उससे पहले, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का जवाब देकर जाइएगा कि भारत में संविधान को लागू कब किया गया था, मतलब किस तिथि और कौन से वर्ष में इसको लागू किया गया था। ठीक है, और हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले यहां से जा सके। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल YT एजुकेशन पे नए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के, ताकि यहां से भी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए, मैं कुछ बातें आपको कहना चाहूंगा यहां पे, वो आपको कड़वी लग सकती है, आपको बुरी लग सकती है। लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से बिहार कांस्टेबल और बिहार दरोगा यानी कि बिहार SI के लिए क्यू सेक्शन दिए हैं आपको। बहुत सारे लोगों ने देखा, उस समय एग्जाम था, फॉर्म भरे थे तो लोगों के पैसे जा रहे थे, तो वो 700 रुपये का फॉर्म भर भर के लोगों ने खूब पढ़ाई की, है ना। अभी क्या हो रहा है कि इसका मेंस का एग्ज़ाम है दरोगा का, लोग इतना अटैम्प्ट करके आए हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे प्रीलिम्स में। करीब 60,000 लोग तो आएंगे ही ना यहाँ पे, तो इतने लोग यहाँ पे आएंगे मेंस के लिए, लेकिन 60,000 लोग वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी टेंटेटिव डेट आया हुआ है, अप्रैल का है, तो पढ़ाई क्या करना है इसमें। उनकी क्लासेस दी जा रही है यहाँ पे लगातार, है ना, पर लोगों को सीरियसनेस नहीं है कि हम पढ़ाई करें या नहीं करें। वही हाल यहाँ पे बिहार कांस्टेबल के स्टूडेंट का भी है। ठीक है, उन लोगों का भी एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया है, तो उन लोगों की पढ़ाई छूट गई है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम का डेट आएगा तो पढ़ेंगे, और इसी में क्या होगा कि आप फेल हो जाएंगे, बिल्कुल फेल होंगे। एग्ज़ाम के एक महीने दो महीने पढ़ के आप सोचते हैं कि आप नौकरी निकाल लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप लोगों ने कॉन्शियस अगर 6 से 1 साल की तैयारी नहीं की, तो ये एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। दोस्तों, आप लोग बातों को समझिए, सीरियस होइए, पढ़ाई कीजिए। लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे देख सकते हैं, 10 बजे साइंस की क्लास दी जा रही है, सुबह करेंट अफेयर का क्लास दिया जा रहा है, शाम को GK का क्लास दिया जा रहा है, जो कि स्टैटिक GK का भी पार्ट हो सकता है इसमें। इन सभी वीडियोज़ को देखिए ना, तब तक जब आएगा डेट तो हम आपके लिए क्यूज़ भी कराएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन का क्यूज़ और 75 क्वेश्चन का क्यूज़ आपको लेकर देते थे, लेकिन यहाँ पे तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं डेट का। तो डेट से याद आया कि हमें इस वीडियो को बना रहे हैं आपको डेट बताने के लिए ही। तो यहाँ पे आज की खबर देखिए, मैं आपको डेट पहले दिखला देता हूँ। आज की खबर यहाँ प्रभात में बताया गया है 26 जनवरी को ही। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे खबर ये है कि 8 मार्च को हो सकती है सिपाही बहाली की परीक्षा, हो सकती है। तो यहाँ पे एक टेंटेटिव आपको डेट बताया गया है, केंद्रीय चयन परिषद ने 8 मार्च को सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार पुलिस के सिपाही के लिए 11,880 पदों के लिए 20 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली थी दूसरे चरण की, उस परीक्षा को स्थगित किया गया था। इसके बाद उच्चस्तरीय बैठक में परीक्षा 8 मार्च को कराने की सहमति बन चुकी है। अब ये फाइनल डेट है एक तरह से, है ना, इस दिन आपका एग्ज़ाम होना है। तो अगर अभी से देखा जाए तो आपके पास पूरा 1 महीना समय है, पूरा 1 महीना, है ना। लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, एग्ज़ाम का बस 10 दिन 15 दिन यूज़ करेंगे, उसमें क्यूज सेट वेट मारेंगे और वहाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे, और लास्ट में अगर पेपर कहीं लीक हो जाता है तो हंगामा भी करेंगे लोग कि अरे पेपर ही लीक हो जाता है, क्या पढ़ें हम लोग। भाई अपना काम तो करो, कम से कम अपनी मेहनत तो करो। हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग जो लोग पढ़ रहे हैं उनका वो फ़ायदा हो जाए, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं इंतज़ार में बैठे हुए कि पेपर आएगा, लीक करेंगे, एग्ज़ाम पास हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं तो फेल होंगे ही, या तो यहाँ हो या तो फिजिकल में होंगे। ठीक है, तो उनके लिए तो मैं बस इतना कहूँगा कि भाई अभी भी समय है, पढ़ लीजिए, 1 महीना अभी और समय है। क्यूज़ आपको लगातार दिए जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन सभी क्यूज़ को अटेंड करें कम से कम जाके, और पढ़ाई करें। PDF भी आपको दे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF मिल रहा है, ताकि उन गांव घर में बैठे छात्रों को ये सारी सुविधाएं पहुंचा सकें हम अपने चैनल के माध्यम से, कि वो भी पढ़ सकें, उनको कोई कॉस्ट ना लगे, बस एक नेट का रिचार्ज का पैसा लगता होगा उनका, तो उनकी तैयारी करा रहे हैं हम लोग यहाँ से बैठे बैठे, अपने घर से उनके घर तक पहुँच जा रहे हैं। तो कुछ फ़ायदा उठा लीजिए
ये समय बहुत अनमोल है, समय बर्बाद मत कीजिएगा। इस परीक्षा से जुड़े लाखों अभ्यर्थी, अभी करीब 6.5 लाख यहाँ परीक्षार्थी हैं जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनके लिए आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। केंद्रीय चयन पर्षद ने इस सभी से डीएम से नई तिथि पर परीक्षा से जुड़े इंतजाम को लेकर रिपोर्ट भी मांगी थी। इसके क्रम में कई जिलों ने जानकारी उपलब्ध करा दी है और बाकी जिलों में गणतंत्र दिवस के बाद रिपोर्ट आने की उम्मीद बताई जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि 27 जनवरी को कुछ इसके बारे में अपडेट आएगा, तो देखते हैं कल क्या अपडेट आता है इसके बारे में। वैसे कल तो आपको खबरें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन फिर भी जो भी अपडेट आएगा, अगर ऑफिशियल कुछ आता है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अप टू डेट कर देंगे। सभी जिलों के डीएम को ये सहमति मिल जाने के बाद ही आधिकारिक तौर पर इस परीक्षा की तिथि की घोषणा होगी। वैसे 8 मार्च मान के चलिएगा कि आपका इस दिन एग्ज़ाम होगा ही, ठीक है, इससे डेट आगे नहीं बढ़ सकता है अगर एग्ज़ाम बिहार सरकार लेनी चाहेगी तो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मुझे ये आपको खबर पहुँचानी थी कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है 8 मार्च को, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और अगर मेरी कोई बातें बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।